बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम, स्टे सेफ। सो बेटा, आज आप लोगों का कन्वर्सेशन का पीरियड है, ठीक है? और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप लोगों की इंग्लिश की वर्क बुक है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे जीके और कन्वर्सेशन का क्वेश्चन। उसके लिए आपको ओपन करना है अपना इंग्लिश की वर्क बुक का पेज नंबर 2। बुक ओपन करने से पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। ये रहा आपकी बुक का पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास, What will you say when you want to ask someone how is she or he? अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? How are you? अगर कोई आपसे पूछता है how are you तो आप क्या बोलेंगे? I am fine, या आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है? आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What will you say when you want to wish someone a nice day? What will you say when you want to wish someone a nice day? कह रहे हैं जब आपको किसी को विश करना होगा, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप खुश रहें, या फिर हम किसी को कहते हैं गुड मॉर्निंग, इसी तरीके से अगर आपको किसी को कोई दिन जैसे विश करना होगा तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? हैव, चलें हम इनका इसका आंसर देखते हैं। हैव अ नाइस डे, क्या बोलेंगे हम? हैव अ नाइस डे, क्या मीनिंग है इसकी? हैव अ नाइस डे, सो इसके क्या मीनिंग होंगे? आपका दिन अच्छा हो, ठीक है? हम किसी को कहते हैं ना कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, या आप खुश रहें, ठीक है? तो इस तरीके से हम उन्हें क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे, ठीक है? अगर आपने आप किसी से भी मिले हैं और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, आप उन्हें बोलते हैं अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू, और फिर वो कहते हैं आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आप दोनों ने जाना है, ठीक है, फिर आपने वहाँ से चले जाना है, तो आप क्या बोलकर जाएंगे? हैव अ नाइस डे, आप उन्हें बोलेंगे कि आपका आज का दिन अच्छा हो, ठीक है? ये आप बोल सकते हैं। और अगर आप जैसे सुबह स्कूल के लिए आ रहे होते हैं घर से, तो आप अपनी मम्मी पापा को इस तरह से बोलकर आया करें, ठीक है बेटा? ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।